हमारा तीसरा हेडिंग, तीसरा टॉपिक, तीसरा क्वेश्चन आज के लिए है जी प्लाज्मोडिज्म। छोटा सा हेडिंग है और छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कह लें, एमसीक्यू कह लें, ये जस्ट इस लेवल का है। और इसके बाद इसी से अगला जो हेडिंग होगा वो किट्स और किटिंग और किटेड के लफ्ज की हुआ है। जी हेडिंग है जी पहला प्लाज्मोडिज्म पे, और इसके बाद जो हमारा अगला हेडिंग होगा वो होगा पिप्स। ये हमारे दो हेडिंग्स हैं और इसके लिए डायग्राम्स, डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है, आप उन डायग्राम्स को फॉलो कर सकते हैं जो आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। और में सिंपल सेल माउस बहुत तंग कर रहे हैं जी मेरे, ये सेल दिखाया है मैंने, इसकी सेल वॉल है और इसकी सेल वॉल में मैं जस्ट ऐसे छोटे छोटे निशान लगा देता हूँ। मैं ऐसे बहुत ही बारीक, अगर ये सुराख इतने बारीक हों कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आए, इनका अपने सुराख समझ में आए, तो ये वो प्लाज्मोडेस्मा, दीज आर प्लाज्मोडिज्म। याद रखिएगा ये बहुत ही छोटे साइज के सुराख होते हैं, और अगर ये बहुत ही छोटे हों, बहुत ही स्मॉल हों, फिर जो सिर्फ इलेक्ट्रोमोटो में नजर आए, ये प्लाज्मोडिज्म है, बहुत ही छोटे वाले ओपनिंग्स। ये ओपनिंग्स प्राइमरी वॉल के अंदर मौजूद होते हैं और इनकी वजह से चीज़ों की मूवमेंट होती है। बाद में जब सेकेंडरी वॉल डेवलप होना शुरू होती है, प्राइमरी वॉल की हमें खत्म हो जाती है, सेकेंडरी वॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके अंदर ज़्यादा बड़े सुराख बनते हैं और उन बड़े सुराखों को पिट्स का नाम दिया जाता है। आपके पास चूँकि पिट्स की बहुत सी डिटेल्स हैं, तो जो डायग्राम आपकी बुक में दी हुई है पिट्स के हवाले से, पिट का मतलब है डिप्रेशन, पिट का मतलब है डिप्रेशन, वेल कुएं को कहते हैं, कुआं कह लें और सुराख कह लें, लेकिन ये सुराख चूँकि इसकी डायग्राम मौजूद है आपकी बुक्स में, मैं डायग्राम बनाऊँ का, लेकिन वो इतनी बहुत अच्छी नहीं होगी, बहुत सिंपलीफाइड होगी आपकी बुक। रीज़न ये है कि बुक में डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई हैं, वो आर्टिस्ट की बनी हुई हैं, जबकि जब डायग्राम मैं ड्रा करूँगा तो माउस के साथ ड्रा कर रहा हूँ, और मेरी डायग्राम अल्लाह माशाल्लाह पहले ही बहुत खूबसूरत है, माउस के साथ वो उस पर चार चांद लग जाते हैं और सोने को सागा हो जाता है। बहरहाल पिट्स की चूँकि टाइप्स हैं बहुत सी, मैं कुछ तस्वीरें ड्रा करने लगा हूँ, ये तस्वीर मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ, ये मोटा करना पड़ेगा, ये मैंने सेल वॉल की लेयर दिखा रहा हूँ, मुझे मैच करना पड़ेगा बाद में, क्योंकि अगर मैं इसमें कलर ड्रा करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जो ये वाली है ये मिडिल लैमेला और प्राइमरी वॉल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो अभी कह लें, जो पहला हिस्सा है ये मिडिल लैमेला है, और जो इसके बाद यहाँ वाला ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक ये प्राइमरी वॉल, और जो ये वाला मोटे वाला पोर्शन है ये सेकेंडरी वॉल है, और इसके अंदर जो ये चीज़ है ये पिट, ये एक पिट दिखा दी है, ये जो पिट मैंने दिखाई है अभी ये सिंपल पिट है, इट इज़ द आर्टिस्ट सिंपल पिट, तस्वीर मैंने ड्रॉ की है, आपको उस बुक में मौजूद हैं, चूँकि बुक में उसको डायग्राम बनी हुई है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर डायग्राम ऐसे ही बन सकती हैं, दिस इज ए सिंपल पिट। अगर एक ही सेल में दो सेल जो आमने सामने पड़े हुए हैं, करीब करीब साथ जुड़े हुए पड़े हैं, और उनमें आमने सामने एक ही जगह पे पिट मौजूद हो, मसलन ये एक सेल है जी, इसमें इधर यहाँ पे पिट मौजूद है, और इसके बिल्कुल सामने जो दूसरा सेल है उसमें भी ऐसे ही उसके एग्जैक्ट सामने पिट मौजूद है, तो इसको सिंपल पिट पेयर का नाम देते हैं। वो पहला वाला खाली पिट थी, इट इज़ कॉल्ड ए पिट पेयर, ये पिट पेयर सिंपल पिट पेयर। इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आगे है जी बॉर्डर पिट का, ये अब मैं इसको डायग्राम और सिंपल कर रहा हूँ, ताकि वो चूँकि बहुत लंबी हुई डायग्राम बन रही है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा सिंपलीफाई करके ड्रा करने लगा हूँ। ये आपकी चूँकि बुक्स में एज सच मौजूद हैं, बने हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन ये रफ्स स्केच है जी उनको, बहरहाल डायग्राम मैंने ड्रा की है, ड्रा करने की कोशिश की है। It is God,
bordered pit pair. This is called a bordered diagram. बहुत अच्छी नहीं बनी है. This is a bordered pit pair. Border इस चीज को कहते हैं, ये border कहलाता है. ये अब यूं समझ जैसे हमारी आंखों की पलके या पुटे होते हैं, वो यहाँ पे border का काम अंजाम दे रहे हैं और ये bordered pit pair दिखाया गया है. इसकी सेपरेट वजाहत आगे होगी. अगर एक तरफ बॉर्डर मौजूद हो और एक तरफ सिंपल पिट हो उसको हाफ बॉर्डर पिट पेयर का नाम देते हैं. अगर एक तरफ पिट हो और एक तरफ कुछ भी ना हो, बंद हो, तो उसको ब्लेंड पिट का नाम दिया जाता है. ये इनके बहुत से मतलब टाइप्स हैं. टाइम चेक कीजिए, हमारा टाइम कितना हो चुका है. टाइम है इस वक्त 3:07, तकरीबन 2-3 मिनट तक हमारा ये जूम चूँकि बंद हो जाएगा, इसलिए मैं मजीद डायग्राम अभी ड्रा नहीं करता हूँ. पिट्स और उनकी टाइप्स आपके सामने बयान कर देंगे. इन पिट्स का फ़ायदा, चीज़ों की मूवमेंट बड़े आराम के साथ. हाँ, ये वैसे टॉपिक इनकम्प्लीट है. आपकी बुक्स में इन्हीं पिट्स की एक और डायग्राम, बल्कि दो डायग्राम है. एक इसका जो डायग्राम मैंने ड्रा किया, इसी डायग्राम को बहुत बड़ा करके, खूबसूरत करके ड्रा किया जाता है बुक में बॉर्डर पिट पेयर को, और उसी की डायग्राम सरफेस व्यू का. याद रखिएगा, आपने इसकी वो डायग्राम फॉलो करनी है जो बहुत खूबसूरत आपकी बुक में बनी हुई है. और उसके साथ कंपैरिजन के लिए, ये अब फिर वही मसला होगा जी, मैं ड्रा करूँगा तो बड़ी मक्खी सी डायग्राम बनेंगे. इसको जब सरफेस व्यू में देखते हैं तो कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आएगा. डायग्राम तो बहुत मक्खी बनी है, लेकिन बहरहाल इसमें जो सबसे ऊपर बड़े वाला जो दायरा है, यहाँ पे पॉइंटर खड़ा हुआ इस वक्त, ये पिट के बॉर्डर को शो कर रहा है. जो सबसे सेंटर में छोटे वाला दायरा है, गोल दायरा, ये पिट अपर्चर को शो करता है. और जो दरमियान में है, पिट अपर्चर और डॉटेड लाइन के दरमियान में, ये पिट चैम्बर को शो कर रहा है कि चैम्बर जो है वो कहाँ पे है और उसका स्लॉट जो है कितना बड़ा है. बहरहाल इसकी डायग्राम जो मैंने रफ सर्च किया है, आपकी उसमें बहुत खूबसूरत डायग्राम मौजूद हैं. ये डायग्राम आपने वहाँ से फॉलो करने हैं. पिट्स का टॉपिक जी हमारा कंप्लीट हो गया है. चैप्टर में भी छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, लेकिन मेन टॉपिक्स हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं. यहाँ तक कोई क्वेश्चन हमारे, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. यू हैव अ क्वेश्चन, यू कैन आस्क क्वेश्चंस. जी, किसी का कोई क्वेश्चन? और दूसरा मैं आपको बता चुका हूँ जी कि सेकंड, थर्ड, किसी भी वीक में, किसी भी वक्त, जैसे ही हम सब अनाउंस करते हैं, आपका मिड टर्म शुरू हो सकता है. सिलेबस जो जहाँ तक फैमिलीज होने पड़ी हैं वो आपका सिलेबस होगा. ऑल फैमिलीज और उससे पहले जो जनरल था, फैमिली में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और जो मार्फल पड़ी है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs. कैरी कर लीजिए. और मैं पहले बता चुका हूँ कि इस बार उस तरह से कंसेशन नहीं मिलेगी. आप लोग जो है बिल्कुल भी स्टडी पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और अगर आपकी कंडीशन इतनी बुरी हुई तो आपका रिजल्ट उतना ही बुरा निकलेगा अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे. इस वक्त कितने बच्चे मौजूद हैं?